أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के, कंप्यूटर की अकसाम क्या हैं। मकासद और बनावट के लिहाज से कंप्यूटर को तीन मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किया जाता है, जो कि डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इनको डिस्कस करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है। डिजिटल कंप्यूटर को डेटा या मालूमात हिंसों और हरूफ की सूरत में जाती है, करेक्टर और डिजिट की सूरत में दी जाती है। इन पर अमल के बाद इनका रिजल्ट या आउटपुट भी इन्हीं हिंसों और हरूफ की सूरत में कंप्यूटर की स्क्रीन या मॉनिटर पर दिखाई देती है। ऐसे कंप्यूटर को आम इस्तेमाल या जनरल पर्पज कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इस किस्म के कंप्यूटर घरेलू बजट बनाने, दफ्तर का काम, बच्चों के गेम खेलने से लेकर साइंसी तहकीक, बैंकों, मवासलात और मौसीकी जैसे शोबों में भी अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, ये जदीद कंप्यूटर जो भी हैं, लैपटॉप हो गया कि डेस्कटॉप ही हो गया, ठीक है, ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर जो है ना, डाटा या मालूमात को करेक्टर और डिजिट की सूरत में दी जाती है और आउटपुट भी करेक्टर और डिजिट की सूरत में हासिल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद है जो दूसरी किस्म है, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ख़ास किस्म के मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन स्पीड, हीट, वेलोसिटी को नापना। ऐसे कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के शोबों में होता है। ठीक है, जैसा कि मसलन सेंट्रोन डोनर एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बाइनरी सिग्नल के बजाय एनालॉग वोल्टेज को इस्तेमाल में लाकर पेचीदा मिसाइल हल करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट उसको नापना हो, फ्रीक्वेंसी हो, रेजिस्टेंस हो, ठीक है, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस हो, या वैसे स्पीड हो, वेलोसिटी, ठीक है, इन चीज़ों को नापने के लिए क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है ना, थर्ड जो है ना, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में ये क्या है, दोनों का कम्बिनेशन है, एनालॉग और डिजिटल दोनों। इसमें दोनों एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की खसूसियात होती हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर ज़्यादा तेज़ रफ्तारी और दुरुस्ती के साथ काम करते हैं। ख़ास तौर पर जहाँ डिजिटल या एनालॉग कंप्यूटर अकेले काम नहीं कर सकते, वहाँ क्या करते हैं, हम हाइब्रिड कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ है, अस्पतालों या मेडिकल के शोबे में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखते हो, आम मिसाल है, पेट्रोल पंप पे जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हो, ठीक है, तो पेट्रोल जो उसकी वो है, क्वांटिटी है, वो तो एनालॉग है, और जो आप पैसे देते हैं, जो लिखा होता है उस पर स्क्रीन पर, वो क्या है, डिजिटल हो गया। ठीक है, तो ये इसकी आम मिसाल है एक। ठीक है, इसके अलावा ये कंप्यूटर क्या कहाँ का इस्तेमाल होता है, टेलीमेट्री यानी फासले की पैमाइश करने के लिए, खलाई जहाज़ों, मिसाइल वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की अकसाम है बनावट के लिहाज से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी करें और दूसरों को